तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट रेकग्नाइज सेक्स वर्क। तो देखते हैं कि इशू क्या है। तो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ना सेक्स वर्क को एज ए जो प्रोफेशन है उसको रेकग्नाइज किया है, और जो उसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं मतलब जो सेक्स वर्कर्स हैं वो इंटाइटल्ड है डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। मतलब अब उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि वो ना तो जो इंटरफेयर करेंगे और ना ही क्रिमिनल एक्शन लेंगे अगर कोई जो सेक्स वर्कर है अपने कंसेंट से, और अगर वो एडल्ट है और अगर वो अपने कंटेंट से सेक्स कर रहा है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ऑर्डर दिया है कि जो आर्टिकल 21 है वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कोई सेक्स वर्कर हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब जो आर्टिकल 142 है ना, वो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर देता है कि वो किसी भी इशू के ऊपर कोई डायरेक्शंस दे सकती है जो कि हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके फेवर में जाता हो, ठीक है। या ऐसा कोई भी इशू जो कोई एक टैबू इशू हो और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी डायरेक्शंस दे सकता है या ऑर्डर्स भी पास कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 142 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस। मतलब जो क्रिमिनल लॉ है वो सारे केसेस में इक्वली अप्लाई होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेक्स वर्कर है वो एडल्ट है और अपने कंसेंट से जो इंटरपोज कर रहा है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसके अलावा वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि व्हेन इट इज क्लियर दैट सेक्स वर्कर इज एन एडल्ट एंड इज पार्टिसिपेटिंग विद कंसेंट द पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन। ये जो जजमेंट दी गई है ये दी गई है थ्री जजेस बेंच लेड बाय जस्टिस एल नागेश्वरा राव। अब जो बच्चे ADA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 142 भी आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बच्चे ADA की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस ये जो बेंच है इसका नाम नोट कर लें, ये भी नोट कर लें कि 3 जजेस बेंच थी, और उसके अलावा जस्टिस जो एल नागेश्वर राव है उनका नाम भी नोट कर लें। और जिस आर्टिकल के थ्रू ये जजमेंट आई है या जो आर्टिकल इस जजमेंट पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, उस आर्टिकल को भी नोट करके रख लो। तो इस ये जो जस्टिस एल नागेश्वर राव है इन्होंने ये जजमेंट दी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि जो जो सेक्स वर्कर है उसको एक तो इक्वल वो दी जाएगी, कानून की नजरों में वो इक्वल होगा, लेकिन जो ब्रॉथल है ना उसको अभी भी जज ये जो हमारा जो जजमेंट आई है उसमें ब्रॉथल को अभी भी इलीगल कहा गया है। तो जो बेंच है वो ऑर्डर पास करता है कि जो सेक्स वर्कर होगा शुड नॉट बी अरेस्टेड और हरास्ड और विक्टिमाइज्ड वेदर देयर इज अ रेड ऑन एनी ब्रॉथल, ठीक है। जब भी ब्रॉथल पे रेड होती है तो जो सेक्स वर्कर होगा उसको हरास नहीं किया जाएगा ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो वॉलेंट्री अपना काम कर रहा था और दूसरा अगर वो एडल्ट था, लेकिन जो ब्रॉथल है ब्रॉथल का होना अपने आप में इलीगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा ग्रे एरिया आ जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रॉथल को इलीगल मानता है लेकिन जो सेक्स वर्क है या सेक्स वर्कर है उसको इक्वल राइट्स तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो ब्रॉथल को इलीगल मान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स वर्कर एंड चाइल्ड। तो ये जो जजमेंट थी उसमें कहा गया था कि चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर शुड नॉट बी सेपरेटेड। जनरली क्या होता है कि ब्रॉथल में ना जब सेक्स वर्कर्स होते हैं तो जनरली उनके जो बच्चे होते हैं उनको ना उनसे सेपरेट करके अलग भेज दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। जो जो हमारा लॉ है या पुलिस वाले हैं वो ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हो सकता है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू वो बच्चा आया हो और ये लोग झूठ बोल के उसको अपना बच्चा बोल के और उसकी फर्दर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हो। तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप उस बच्चे का DNA टेस्ट करवा सकते हो, अगर वो जो सेक्स वर्कर है उसी का बच्चा निकलता है तो उसको इन एनी केस सेपरेट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंडेड टू सेक्स वर्कर एंड देयर चिल्ड्रन। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो
बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी है वो मेंटेन करके रखी जाए और डिग्निटी बना के रखी जाए सेक्स वर्कर की और उनके बच्चों की भी। उसके अलावा उन्होंने बोला है इफ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन ब्रॉथल और विद सेक्स वर्कर इट शुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट चाइल्ड वाज ट्रैफिकड, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू वो बच्चा आया उसको ऐसे ही प्रिज्यूम ना कर लिया जाए। हाँ लेकिन आप ऐसा जरूर किया जा सकता है कि आप उनका डीएनए टेस्ट करवा लो। उसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको मेडिको लीगल केयर दी जाए। मेडिको लीगल केयर का मतलब ये होता है कि जनरली क्या होता है कि जो इनके ऊपर ना सेक्स ऑफेंसेस हो जाते हैं सेक्स वर्कर्स के ऊपर भी, मतलब इनका कंसेंट नहीं होता फिर भी इनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो इनके प्रोफेशन की वजह से इनकी बातों पे यकीन नहीं किया जाता। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्पेशली जो हमारे डायरेक्शन दिए हैं पुलिस को कि अगर आपके पास कोई भी सेक्स वर्कर आता है कि आके ये कहता है कि उसके कंसेंट के खिलाफ उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है तो आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और जो उनको मेडिकल लीगल केयर देनी बनती है उसको मतलब उनको मेडिको लीगल केयर प्रोवाइड करवाई जाए। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मीडिया को भी निर्देश दिए हैं कि आप मान लो कहीं पे रेड होती है तो आप इतना डिसेंसी मेंटेन करके रखें कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके जो चेहरे हैं आप उनको ब्लर करके रखें, सबको उनके सामने ना लाएं, उनकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी आइडेंटिटी है, उनको आप डिस्क्लोज ना करें। डायरेक्शन जो गवर्नमेंट को दिए हैं हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं जो उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं उन पे कुछ पे तो सरकार मतलब मान रही है, मतलब जैसे कि सरकार ये इस बात पे मान गई है स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं कि जो उनको प्रॉपर मेडिकल केयर और लीगल केयर उनको प्रोवाइड की जाए, लेकिन जो इसको लीगलाइज करने की बातें की जा रही हैं इसको सेक्स वर्क को, उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट का मतलब प्रॉपर एक स्टैंड नहीं बना है कि वो लीगल करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा देखते हैं लॉज रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड प्रोस्टिट्यूशन इज अ ब्रॉडर सेंस, प्रोस्टिट्यूशन इन अ ब्रॉडर सेंस इज नॉट रियली इल्लीगल पर से, मतलब आईपीसी के अकॉर्डिंग जो प्रोस्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली इल्लीगल नहीं है, बट दे आर सर्टेन एक्टिविटीज विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन that are punishable under certain provisions of the act which are सबसे पहले soliciting prostitution services in public area, मतलब जो prostitutes हैं वो खुले में ये उनको जाके अपने customers को जाके ये खुले में जाके अपनी services वो ये services provide करवाती हैं उसको खुले में जाके वो ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ये इलीगल है। उसके अलावा कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज इन होटल्स ये भी इलीगल है। उसके अलावा इंक्लूडिंग इन प्रोस्टिट्यूशन बाय अरेंजिंग फॉर अ सेक्स वर्कर ये भी इलीगल है। उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्ट विद अ कस्टमर ये भी इलीगल है। तो जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1986 का इन एन अमेंडमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एक्ट, एज पर दिस एक्ट प्रोस्टिट्यूट्स आर टू बी अरेस्टेड इफ दे आर फाउंड सॉलिसिटिंग देयर सर्विसेज और सिड्यूसिंग अदर्स, मतलब अगर वो अपने कस्टमर्स को सिड्यूस करती हुई पाई जाती हैं तब उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, किसके अंडर? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 के अंडर। उसके अलावा जो कॉल गर्ल्स हैं वो भी प्रोहिबिटेड है फॉर मेकिंग देयर फोन नंबर्स पब्लिक, मतलब अगर वो अपने फोन नंबर्स पब्लिक करती है तो ये भी एक जुर्म है। दे कैन बी पनिश्ड अप टू 6 months अलॉन्ग विद पेनल्टीज इफ डूइंग इफ फाउंड डूइंग सो, मतलब उनको 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है। तो अब देखते हैं स्टेटस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन क्या है इंडिया में। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल इन आर कंट्री बट सॉलिस्टिंग एंड पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन आर, मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन है वो इंडिया में इलीगल नहीं है लेकिन सॉलिस्टिंग मतलब खुद को जाके ऑफर करना और जो पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन है ये इलीगल है। ओइंग अ ब्रॉथल इज ऑल्सो इलीगल बट बिकॉज प्लेसेज लाइक जीबी रोड आर ऑलरेडी इन प्लेस सो दीज लॉज आर रेयरली इन्फोर्स्ड। अब देखते हैं कि क्या चेंज होगा अगर जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट की डायरेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेती है। तो देखते हैं, सबसे पहले
सेक्स वर्कर्स विल बी अफोर्डेड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन, उनको इक्वल लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इफ सेक्स वर्कर रिपोर्ट अ क्रिमिनल और सेक्सुअल और अदर टाइप ऑफ ऑफेंस द पुलिस विल टेक इट सीरियसली एंड एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। ठीक है, मतलब कि अगर जो सेक्स वर्कर कोई भी रिपोर्ट वो करता है, रिपोर्ट करता है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस उसको सीरियसली लेगी और जो लॉ के अकॉर्डिंग बनती कार्रवाई है वो करी जाएगी। ठीक है, इफ ब्रॉथल इज रेडेड सेक्स वर्कर्स इन्वॉल्व विल नॉट बी अरेस्टेड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉथल है वो इलीगल है, लेकिन जो सेक्स वर्कर्स है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उनको भी इक्वल राइट ऑफ प्रोफेशन है। ठीक है, तो सेक्स वर्कर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना उनको पिनलाइज किया जाएगा, ना ही हरास किया जाएगा, ना ही विक्टिमाइज किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर जो ब्रॉथल चला रहा है, क्योंकि ब्रॉथल इलीगल है, तो जो ब्रॉथल चला रहा है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनी सेक्स वर्कर हु इज विक्टिमाइज्ड ऑफ सोशल असॉल्ट will be given all the same services as survivor of sexual assault, including immediate medical attention. मतलब अगर किसी के खिलाफ sexual assault होता है तो उसको proper वो दी जाएंगी, जो मैंने आपको बताया था, medical legal care, मतलब उसको legal care भी मिलेगी, मतलब उसकी बात सुनी जाएगी properly, और उसके अलावा जो medical care उसको देनी बनती है वो भी उसको दी जाएगी। उसके अलावा लास्ट देखते हैं, पुलिस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रीट ऑल सेक्स वर्कर्स विद डिग्निटी एंड नॉट वर्बली और फिजिकली अब्यूज देम। मतलब पुलिस अब ऐसा नहीं कर सकती कि उनको वर्बली अब्यूज करे या फिजिकली अब्यूज करे, सब्जेक्ट देम टू वॉयलेंस और कोअर्स देम इंटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये चेंजेस आएंगे अगर जो कोर्ट की जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट की डायरेक्शंस को मान लेती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे जो इसका स्टेटस है प्रोस्टिट्यूशन का या सेक्स वर्कर्स का, तो वहाँ पे उनका क्या स्टेटस है। सबसे पहले देखते हैं न्यूजीलैंड में जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको लीगल कर दिया गया है 2003 से। उसके अलावा वहाँ पे लाइसेंस ब्रॉथल जो है वो चलाए जाते हैं, मतलब ब्रॉथल के लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसके बाद वो ब्रॉथल चला सकते हैं। उसके अलावा उसको ऑपरेट किया जाता है अंडर पब्लिक हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंडर। ठीक है, और उनको सभी सोशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो भी सेक्स वर्कर्स हैं। फ्रांस में देखते हैं, फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, और उसके अलावा जो पब्लिक सॉलिस्टिंग है वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। मतलब पब्लिक सॉलिस्टिंग वही जो मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक में जाके ये वो नहीं कर सकते, अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, बल्कि वहाँ पे स्टेट रन ब्रॉथल्स हैं, मतलब सरकार खुद रन करती है ब्रॉथल्स को। ठीक है, उसके अलावा जो वर्कर्स सेक्स वर्कर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो पे उनको टैक्सेस पे करने होते हैं, और उसके अलावा जो सोशल बेनिफिट्स जैसे पेंशन हो गए वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रीस में सेक्स वर्कर्स गिव इक्वल राइट्स एंड हैव टू गो फॉर हेल्थ चेकअप्स एज वेल। कैनेडा में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल बट विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो ये जो हमारी स्टेट जो फॉरेन वो थी कंट्रीज थी जहाँ पे अलग अलग लॉज मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे लीगल है, कहाँ पे किस तरीके से लीगल है, कहाँ पे जैसे जर्मनी है वहाँ पे तो स्टेट खुद ही रन करती है। तो ये कुछ कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि आर्टिकल 142 जो पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, और जो ADA वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो था, एक तो आर्टिकल 142 ही, उसके अलावा आर्टिकल 21, और उसके अलावा जो ADA वाले बच्चे थे उनके लिए इम्पोर्टेंट था वो जो सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के जो थ्री जजेस की जो बेंच थी और उनके जो जस्टिस का नाम था वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी वो इसी के बारे में थी, जो सेक्स वर्कर्स को जो उनको राइट्स प्रोवाइड किए हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसी और क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और उसके अलावा हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसके अलावा हमारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो
आपको इस नंबर पे उनकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने बहुत से कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो ADA की जो हमारी क्लासेस चल रही है, और उसके मैंने हमने बताया था कि उसके जो मॉक टेस्ट है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो जो उसका पहला जो मॉक टेस्ट होगा वो शुरू होगा आपका 12th ऑफ जून से, और जो सेकंड मॉक टेस्ट होगा वो होगा 13th ऑफ जून को। जो 12th वाला मॉक टेस्ट होगा उसमें हम जो पूरा ADA का सिलेबस होगा वो कवर करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा 13th को, उसमें कवर किया जाएगा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही थी, थैंक यू सो मच।